राधे राधे गुरुजी जी। गुरुजी मेरा एक सवाल ये है कि आज से एक हफ्ता पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वृंदावन जल्दी जाऊं, भाग के जाऊं। मेरे साथ में मेरी दोस्त थी, मैंने उनसे कहा कि आप चलो मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा मन विचलित रहा 5-6 दिन। इसके बाद उन्होंने खुद अपने आप कहा कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुम चलोगी? तो मैंने कहा कि हाँ चलूँगी, और मैं आ गई। यहाँ आने के बाद भी गुरुजी मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे मेरे मन की शांति नहीं है। कल भी मैं आपसे मिली, दर्शन भी किया मैंने जगह जगह, लेकिन मेरा मन विचलित है। मेरे अंदर ऐसा, मेरे से कुछ त्रुटि हुई या मेरा कुछ ऐसा है? कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचती हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, सबका भला करना चाहती हूँ, लेकिन इसके बाद में भी मेरे मन में शांति नहीं है गुरुजी। कैसे शांति आएगी बताओ, हम क्या करें कि शांति आए? गुरुजी यही तो मेरा सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति आ जाए। कुछ मत करो, मन लगा के कथाएं सुनो। मन चंचल है, कई जन्मों से भाग रहा है, भटक रहा है। अब उसे आप कंट्रोल कर रही हो ना, तो एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में मन कंट्रोल नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, करते 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 करत करत अभ्यास के। जी गुरु। तो आप कथाएं सुनो, कुछ ना करो, मन लगा के घर गृहस्थी का काम करो, कथाएं सुनो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत है। जी गुरु जी। अभी भटकने दो, वो भटकेगा, अभी वो चलेगा, चंचल रहेगा, लेकिन कथाएं सुनते सुनते क्या है ना, एक दिन में नहीं होता। जी जी। आपको गोल गोल रोटी बनाना भी एक दिन में नहीं आया होगा, साइकिल चलाना भी एक दिन में नहीं आता, तो इसमें अभ्यास करने में टाइम तो लगता है। गुरु जी मैं जब भी मतलब है, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, सत्संग भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुनती नहीं हूँ। जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान में जाती हूँ तो मुझे मेरे मन की शांति मिलती है, लेकिन इस बार ही ऐसा मुझे क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेरा मन ऐसा इस बार ही क्यों है कि भगवान मेरे सामने हो और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कई बार बिहारी जी जल्दी से स्वीकार नहीं करते, और कई बार बिहारी जी स्वीकार करते हैं। तो बिहारी जी अभी आपको बार बार बुलाना चाहेंगे, इसके बाद भी कई बार, तब जाके फिर मन स्थिर होगा। जी गुरु जी, वही बात है कि मैंने गोवर्धन की परिक्रमा बोली थी कि मैं पैदल करूंगी, लेकिन मैंने वो गाड़ी से जब से की और मेरा मन तभी से विचलित है। तो पैदल कर लो। जी गुरु जी। कल जाके कर लेना। जी गुरु जी। राधा राधे गुरु जी। जी गुरु जी, ये मैं पहले सत्संग में जाया करता था और वहाँ से नाम दान ले लिया और काफ़ी तन मन धन से मतलब सेवा करी, लेकिन गुरुजी जो जिन्हों से नाम दान लिया वे केस में, बहुत गलत केस में, रेप के केस में जेल में हैं। अब मन मेरा उनसे उनके नाम लेने को दिल नहीं करता। मैंने आपका यूट्यूब देखा और जब भी मैं बैठता हूँ तो आपकी ही मतलब वे आती है। मैं आपसे उनका नाम छोड़ के छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता, आपसे नाम दान लेने की इच्छा है मेरी। देखो मन जैसे में शांत रहे, जैसे में मन को शांति मिले, वैसा कार्य करना चाहिए। आप बस खुश रहें। अब आप कैसे में खुश रहेंगे, कैसे में आपके मन को शांति मिलेगी, जैसे जैसे में आप प्रसन्न रहें वैसा काम करो, बस आप खुश रहें। बस मेरे को आपसे नाम दान लेने की इच्छा है। जो आपका मन है बेहतर काम कीजिए। बस आपका मन है कि हम मंत्र ले लें, हमारा मन है तो आप ले सकते हैं, और आपका मन है कि हम मंत्र ना लें, वही मंत्र जाप करें तो वही मंत्र भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र तो मंत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंत्र का जाप करता हूँ, उनकी आपकी मतलब मेरे को वह आती है, उनकी आती ही नहीं, मन उसको रोकता है, आपके उसमें ही मतलब चित लगता है मेरा। ठीक है ठीक है, आप जैसे में खुश रहें वैसा कीजिए। राधे राधे गुरु जी। जी बस सीधा थोड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि असं एक बार थोड़ी कथा के नाल जुड़े तो असं वृंदावन के नाल जुड़े, बस राधे राधे। बाकी अज असी अपनी दोती के ना दे तो थोनू थोड़ी सी भेंट दी थी, तो उसको राधे राधे बोल दो, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल राधे राधे।